इस आज की स्टूडियो में आप लोग के लिए लेकर के आऊँ होंडा सिटी। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का गाड़ी का लुक है। तो आपको हम चारों साइड से गाड़ी दिखाने का ट्राई करेंगे। तो भाई देख सकते हो गाड़ी के अंदर यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको लगा हुआ देखने को मिल जाता है और गाड़ी बिल्कुल डस्ट से मतलब धूला पड़ा है भाई बोल सकते हो। टायर देख सकते हो, टायर बिल्कुल आपको ओके कंडीशन देखने को मिल जाता है। एंड फ्रंट में आपको इसका लुक दिखाऊँ तो भाई फ्रंट लुक कुछ इस टाइप का गाड़ी का है। UP32H00015 VIP नंबर गाड़ी है भाई। देख सकते हो नीचे में आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाता है एंड हेडलैम्प देख सकते हो, आपको हैलोजन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्टर नहीं आता था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो होंडा का आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगा गाड़ी का। और गाइस यहाँ पे टोइंग वाला जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार इसका ओपन हो चुका है, इस कारण से देख सकते हो इसका जो कंपनी का आता था वो इसके अंदर नहीं लगा है। यहाँ पे विंडशील देख सकते हो, काफ़ी बड़ा आपको विंडशील देखने को मिल जाता था। और ये रहा हमारा साइड मिरर, आपको चारों साइड से दिखाने का हम गाड़ी ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी के ऊपर कोई ऐसा स्क्रैचेस नहीं है जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई है टूटा फूटा या कुछ भी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से आपका फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता था। तो पेट्रोल वेरियंट गाड़ी है, कितना प्राइस है वो भी आपको बताएंगे। तो गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हो, थोड़ा पुराना टाइप सा गाड़ी देखने को मिल रहा है। सामने में एक और पाजीरो लगा हुआ है, तो गाइस उसका भी बताऊंगा अगर वो भी चाहिए तो। ऐसे तो देखने आपको लग रहा है कवारा है, बट रियलिटी बोलो तो कवारा नहीं है भाई, बिल्कुल गाड़ी अभी कंडीशन में है। तो इसका टायर पहले आप चेक कर लो गाइस। टायर का बात किया जाए तो लगभग अभी 70% टायर बचा हुआ है। सिर्फ एक टायर नहीं, चारों टायर का सेम टू सेम हालत है। तो गाइस 70 टायर बचा हुआ है, 70% यहाँ पे आप होंडा का बैजिंग देख सकते हो शीशे के ऊपर लगा हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस लुक वाइज बात कर काफ़ी अच्छा गाड़ी है। अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप इंटीरियर देख सकते हो गाड़ी का, आपको टॉप एंड मॉडल गाड़ी देखने को मिल जाता है। ऐसे होंडा का तो आपको पता ही है सारा गाड़ी टॉप एंड मॉडल आता था। तो कुछ इस टाइप का इसका डोर वाइजर देखने को मिल जाएगा। ये रहा यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाएगा इसका मिरर का अप एंड डाउन करने का। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपको लॉक का ऑप्शन, और यहाँ से आप लॉक अनलॉक यहाँ पर नहीं गाइस, यहाँ से अंदर से होता है। और ये रहा कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर। तो गाइस थोड़ा बहुत इसका सामान आपको निकला हुआ दिखाई देगा और सामने गेट पर देख सकते हो उस साइड का पार्ट निकला हुआ है। तो आपको मैं बता तो इस गाड़ी में अभी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस गाड़ी में तो भी आपको क्लियर करते हो। पहले आप डैशबोर्ड देख लो। तो गाइस डैशबोर्ड का लुक कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको वुडन फिनिश देखने को मिल जाता है। एंड ए रहा आपका गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स देख सकते हो 4 स्पीड 5 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। एंड 5th आपको 6 आपको रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एस्ट्रे और लाइटर सिगरेट लाइटर जो होता है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका म्यूजिक सिस्टम। एंड यहाँ पर आपको एसी विंड देखने को मिल जाएगा, चार एसी विंड है फ्रंट में। एंड ए रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि काफ़ी अच्छा डिजाइन है। एंड स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो, काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। एंड साइड में गाइस पार्ट खुला है जिसका देख सकते हो यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा गाड़ी देखने में लगता है, अंदर से बात करें या फिर बाहर से बात करें। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का प्राइस का, क्या आखिरकार ये गाड़ी कितने तक सेल हो सकती है और गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। अदरवाइज़ आप मुझे बाद में यार कमेंट करके चोट लग गया यार अदरवाइज़ आप मुझे बाद में कमेंट करके बोलोगे कि भाई गाड़ी के अंदर ये दिक्कत है या फिर वो दिक्कत था तुमने बताया नहीं। तो गाइस मैं बता दूँ, इसका इग्निशन में प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, अंदर में कुछ कचरा आई थी कुछ फंस गया था। तो उसको निकाल करके ऑयल से उसको क्लीन किया जाएगा एंड उसके बाद गाड़ी ओके हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये गाड़ी फिर ओके हो जाएगा। अब बात कर लूँ इसका प्राइस का, क्या आखिरकार आपको ये गाड़ी किस तरह मिल सकता है। तो गाइस आज के सूडो में ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला 80,000 रुपये में। लखनऊ का गाड़ी है भाई, लखनऊ में आप आ करके ले सकते हो इस गाड़ी को चाहें तो। गाड़ी आपको मैं अच्छे से दिखा दूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऑनर का दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ऑनर से बात कर सकते हैं। आप कुछ भी चाहें पूछना तो उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम का आपको यूज़र नेम मैं बता दूँ, आदि.jasmine इंस्टाग्राम पर सर्च करो, मेरा आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आप DM कर सकते हो। अदरवाइज मुझे कमेंट करो वीडियो के नीचे, वहाँ से भी मैं रिप्लाई करूँगा। होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलता है अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।